हैविंग आवर ब्रेकफास्ट नाउ एंड इसके बाद हमें जल्दी निकलना है कुर्ला को. आर यू एक्साइटेड? वेरी मच, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम कुछ डिफरेंट करने वाले वाले हो, क्योंकि हम लोग रोज ब्राउन ब्राउन करके आप भी बोर हो गए रहे. मैंने तो लिटरली दो भी नहीं तीन साल तक सिर्फ ब्राउन ही रखा था, क्योंकि मेरे बाल थोड़े नीचे से डैमेज हो गए थे, मुझे काटना भी पड़ा था. बट आई एम थिंकिंग टू कट माई हेयर एंड गेट बैक टू वो पुरानी वाली हेयर स्टाइल जो मेरे बाल इतने थे. बट माई मॉम विल किल मी अगर मैंने बाल काट दिए तो. सो देखते हैं. मैंने मम्मी को ट्राई किया था मनाने के लिए दैट आई विल कट माई हेयर, बट मम्मी ने बोला अगर बाल काटे तो प्लीज घर पे नहीं आना. मेरा एक्चुअली मन है ब्लू कलर कराने का, बट आई एम थिंकिंग कि ब्लू कलर से मेरे बाल ज्यादा डैमेज हो जाएंगे. एंड मतलब मन तो है मेरा, लेकिन डैमेज की वजह से आई एम थिंकिंग या तो ब्लू या तो रेड शेड में कुछ तो करूंगी, लेकिन ब्राउन तो नहीं करूंगी, क्योंकि ब्राउन करके अभी सच में बोर हो गया एंड सेम लुक दिखने लगा है. सो या एंड अभी मुझे जाना है ब्लड टेस्ट कराने के लिए. एक्चुअली ना मुझे बहुत सारे पिंपल्स, अभी तो थोड़े थोड़े चले गए, लेकिन ये टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आए. ना इतने ज़्यादा पिंपल्स कभी आते नहीं है, लेकिन कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से डर्मेट ने बोला है मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ताकि मेरे बॉडी में जो भी विटामिन कम है उसके टेस्ट के बाद पता चलेगा मेरे बॉडी में क्या कमी है या फिर क्या इन्फेक्शन हुआ है. एंड देन उसके बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी. फिलहाल तो स्टार्ट है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर टैबलेट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. तो अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम जब क्रूज पे गए थे, मतलब वो टाइम तो इतना ज़्यादा भर भर के आया था. एंड आई वॉज लाइक मैं उसके ऊपर मेकअप भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर मैंने मेकअप किया तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. अभी भी मेकअप सिर्फ अंडर आई में किया है, आईज़ का थोड़ा हल्का सा मेकअप किया है एंड सिर्फ दाग पे थोड़ा थोड़ा कंसीलर लगा है. ऊपर तो मैंने कुछ फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया. आज आशिमा ने और मैंने ट्विनिंग किया है, सेम जीन्स पहन ली. न्यू वॉच एक्चुअली सौम्य ने नई वॉच गिफ्ट करी है. ये आशिमा बहुत खुश है, शक्ल से ही दिख रहा है. काय वाटते, कैसे हो? What are you doing here? Blood test. Blood test? Yes. With injection? Are you scared? Yes. हाँ, साइड करना है, मोटी गुन साइड करना है. थोड़ा ही निकलेगा ना. दो मिनट बस हाथ में ही लगा ना. थोड़ा ही निकलेगा. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. ऑल द बेस्ट मैडम. डायग्नोलॉजी डन मत देखो. उधर यहाँ पे पकड़ो कौन था मुटी बोल. डन. हाउ वाज इट? ब्लड पिंक कलर का नहीं है तेरा है क्या? जो आशिमा ने बहुत पहले कराया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है यार. मेरा तो मन है कि तू ब्लू कलर करा. मेरा भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बाद में कराऊं. मैजिक मैजिक सो व्हाट आर वी डूइंग? यू सजेस्ट एनीथिंग इन रेड. रेड एंड थोड़ा कट भी करते हैं. या लेट्स कट. टेक आउट ऑल द ड्राइनेस. एक एडवाइस दूं वैसे? हां, सबके लिए नहीं, ऑनेस्टली एक एडवाइस दे रहा हूं. रेड तो देखो बहुत वाव लगेगा, ठीक है. और एक इशू है बट कि रेड के ऊपर आप एश नहीं कर सकते एटलीस्ट फॉर द ईयर. सो गाइस, जो भी रेड कलर करते हैं सलून में जाके, रेड के ऊपर एश टोन्स नहीं आता है. आप रेड करो. बोल रही हूं, नहीं ब्लू बाद में करूंगी. इट्स अ ब्यूटीफुल कलर बट ओनली डू रेड अगर आपको एक साल रेड करना रखना है, तो मतलब एक दो बार डिपॉजिट करना है. okay. तो रेड लुक ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू डिपॉजिट. बट रेड में आप अलग अलग रेड्स कर सकते हो, वरना मैंने एक बार ही रेड कर दिया तो रेड पिगमेंट्स इंडियन हेयर पे फिर एंटी रेड नहीं होते. और आप काफी सलून में जाते हो, रेड दिखाते हो, सो सलून के लिए सबसे इजी कलर होता है रेड ऑन इंडिया रेड. तो लोग क्विकली कर लेते. यू श्योर यू वांट रेड? देन ओनली यू गो फॉर रेड, बिकॉज रेड इज ब्यूटीफुल, लुक्स ऑसम फॉर इंडियन स्किन, लुक्स फ्रेश, देयर इज अ लवली शाइन. बट
The only thing is when you want to change it, you can't change it. I want to go for something like this. मैंने अभी just मेरी मम्मी को WhatsApp किया and I showed her कि मैं क्या color कर रही हूँ and my mom was like, अरे बिंदास कर, बिंदास. मेरी मम्मी को ऐसे bright colors ज़्यादा अच्छे लगते. Then she was like, do it, go for it. बोल रही है जब उसे लूज मोशन होता है तो वैसा कलर निकलता है. मैं काफी टाइम बाद ब्राउन के अलावा कुछ दूसरा कलर कर रही हूँ. डॉल का कलर हेयर कलर इज इन प्रोसेस एंड डॉल की कॉफी आ गई है बिकॉज वी ऑल आर फीलिंग सुपर स्लीपी. इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा हेयर कलर जब बालों पे चढ़ता है तो बहुत नींद आती है. एग्जैक्टली देख मैंने मंगाया ना ये कॉफी तो देख कितना कूल है. पैकेजिंग कितना कूल है. आग लाउन टाकली छोटू. So I'm going to cut my hair and मुझे मेरे मम्मी ने पहले ही मना किया था हेयर कट करने के लिए बट स्टिल आई एम गोइंग टू कट. बट मेरे बाल नीचे से थोड़े ड्राई हो गए हैं सो इट्स नेसेसरी टू कट फ्रॉम डाउन. एंड मेरा तो मन है इतना कराने का बट माई मॉम विल किल मी. Done and I am really very 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 much happy. मैंने ये रेड बहुत पहले कराया था बहुत साल पहले एंड तब मेरे बाल थोड़े डैमेज हो गए थे. मैंने यहाँ से नहीं कहीं और से कराया था और एकदम मतलब तब से रेड कलर मतलब ऐसा था कि नहीं यार रेड जब भी करूँगी तब डैमेज हो जाएगा. बट नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी. मोमेड लग रही हूँ मैं. मोमेड के बाल भी ऐसे रेड थे. नो मोमेड के बाल भी रेड थे. ब्यूटीफुल चुड़ैल. नहीं यार मोमेड के बाल भी रेड ही थे. अरे यार वो मोमेड डिजी प्रिंसेस की. ओ वैसा एरियल 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 के बाल. इसका मैजिक खत्म हो गया. आ गया फिर से मैजिक. देखो ये दिखाना है सबको. इससे पहले मैंने हमेशा ब्राउन किया था बट इन्होंने भी सजेस्ट किया दैट आई शुड गो फॉर समथिंग डिफरेंट एंड हियर वी आर. नो नो झूठ मत बोले. इसी की सजेशन थी. मतलब मेरी सजेशन थी कि रेड में कुछ कराना है बट इट वाज हर सजेशन एंड इट केम आउट रियली ब्यूटीफुल. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेक्निकली इज यू सी द गाइस दिस इज डार्कर going medium going lighter which is a beautiful way of doing a balayage which looks darker medium lighter so it's technically right. So red bhi hai but wo patchy nahi lag raha hai. You see how seamless how beautiful. See the way the texture of the hair is. So I'm really very happy. Also there's offer going on here and I'll post that offer on my Instagram story. Aur jo bhi wo screenshot leke yahan pe aayega unhe milega special offer. It's only for next 10 days. So hurry up and come here fast. The offer is till 25th of April. So hurry up and jaldi aa jao. Eid ke liye to of course 15 डेज पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे होगा पूरा गर्दी. सो यू शुड कम फास्ट एंड गेट योर हेयर कलर डन. आई थिंक दिस इज फ्लॉलेस. तो मेरा हेयर कलर कल होगा. अरे नहीं यार कल होगा क्योंकि मैंने स्पा. मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि थोड़े बहुत शॉर्ट कर ले क्योंकि इसका लुक. मेरा हेयर कलर कल होगा. कल कल यस ओह या गाइस अगर आपको भी चाहिए कि आशा माने थोड़े से बाल काटने चाहिए थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहिए तो कमेंट करो. नहीं काटना चाहिए. मैं कल हेयर कलर करने वाली बहुत क्रेजी सा लेकिन मैं बताऊंगी नहीं मैं कौन सा करने वाली. गैस कर लगा देंगे इसके बालों को ताकि काट ही ले. छी छी छी.